नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी तैयारियों का दौर जारी है। सभी दल जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस भी हरियाणा में सरकार बनाने का दम भर रही है। क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की, खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवान हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला सवाल आपकी चुनावी तैयारियों को लेकर ही, क्योंकि बीजेपी कह रही है हैट्रिक बनाएंगे इस बार, आप लोग कह रहे हैं 60 पार 70 पार, अलग अलग आंकड़े जरूर है लेकिन सत्ता में आने का दावा आप लोग भी कर रहे हैं। इस बार बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ और कांग्रेस पार्टी 70+ सीटें जीत करके सरकार बनाएगी। 2005 में 67 सीटें जीती थी, इस बार वो रिकॉर्ड टूटेगा और अधिक, उससे ज़्यादा अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगी। बीजेपी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। जिस तरह से उन्होंने किसानों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ किया, जिस तरह से ये अग्निवीर योजना से यूथ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, बेरोजगारी हरियाणा में चरम सीमा पर हो गई, जो सारे देश में नंबर एक पर, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर एक पर पहुंच गया, क्राइम में नंबर एक पर पहुंच गया, पूरा जो युवा है इन्होंने बेरोजगारी के कारण अपराध की तरफ, नशे की तरफ और बाहर विदेशों में पलायन की तरफ बढ़ रहा है। गुंडागर्दी इतनी हो गई कि सारे जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पंजाब और दिल्ली का सारे हरियाणा में आगे बदमाश और फरौतियाँ मांगने के लिए पूरी तरह से, जेलों से भी फरौती मांगी जा रही है, विदेशों में बैठ करके भी फरौती मांगी जाती है। तो पूरी तरह से व्यापारी भयभीत है, कोई उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं, कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, 70,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने 10 साल में 4.5 लाख करोड़ पर पहुँचा दिया है। तो ये इस तरह से जो 30 से ज़्यादा बार पर्चे लीक हुए हैं, HPSC का अधिकारी करोड़ों रुपए के साथ में नगद रिश्वत लेते पकड़ा गया, कौशल विकास रोजगार निगम एक और बड़ा भ्रष्टाचार का इन्होंने अड्डा बना दिया, जिसको पर्ची और खर्ची की बात करने वाले, ये सरकार जिसको पर्ची दे देते वहाँ उस पर ठेके पर लगा देते, सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जहाँ 50,000 की नौकरी थी वहाँ 20,000 दे रहे हैं, जहाँ 30,000 होनी चाहिए सैलरी वहाँ 10,000 दे रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये कहते हैं कि हमने 1,43,000 लोगों को रोजगार दे दिया कौशल विकास रोजगार निगम में, हम ये कहते हैं कि भाई 2 लाख सरकारी सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, पक्की नौकरी रेगुलर सर्विस क्यों नहीं दी जा रही। 1,40,000 से ज्यादा तो पक्की बता रहे हैं जो HPSC HSSC से हुई है। अच्छा, उदयवान जी, पर्ची खर्ची खत्म करने को सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी पेश कर रही है, इस मुद्दे को अमित शाह भी आए, उनकी ओर से भी कहा गया पर्ची खर्ची से नौकरियां मिलती थी पहले, अभी लगातार ही कहा जा रहा है कि हमने सिस्टम को बदला के, और ये बड़ी वजह है कि बीजेपी दावा कर रही है कि युवा बीजेपी के साथ इस बार आने वाले हैं। ये सुबह से शाम तक अमित शाह तो झूठ की सबसे बड़ी दुकान है हिंदुस्तान में, उनके मुकाबले तो है नहीं, और कोई जब ज़्यादा बात आती है पीछे तो कह देते हो तो चुनावी जुमला था, उसको कह करके वो बात को ख़त्म कर देते हैं कि वो तो चुनावी जुमला था। इनके कोई वादे नहीं है, कोई इनकी विश्वसनीयता नहीं है जिसके बात करें। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी आप बात कर रहे थे कौशल विकास रोजगार निगम की, ये कितना ये दलित विरोधी मानसिकता का भी ये परिणाम है ये कौशल विकास रोजगार निगम। 1,43,000 लगाए हैं तो 20% शेड्यूल कास्ट भी उसमें होने चाहिए, बैकवर्ड क्लास के भी होने चाहिए, BCA BCB के, इन्होंने कोई भी इसमें नहीं रखा, इसलिए ये इनकी ये मानसिकता का भी ये परिचायक है कि ये संविधान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। जो एक संवैधानिक आवश्यकता है, जो संविधान में प्रोविजन है रिजर्वेशन का, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, इस बात को लेकर बीजेपी बार बार कहती है कि आप लोगों की लोकसभा में 5 सीटें इसलिए आ गई क्योंकि आप लोगों ने संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर झूठ बोला, लोगों को भ्रमित किया, ये आरोप आप लोगों पर। ये बताया ना सच्चाई क्या है, वो कौन लोग था, किसने कहा था कि 400 सीट हमें चाहिए कि हमें संविधान को बदल दें, कौन लोग थे वो, कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि बिहार में RSS प्रमुख ने कि हमें इसका आरक्षण की, इसके रिजर्वेशन का हम इसको पुनर्समीक्षा करेंगे, ये कौन थे कि जो संविधान की प्रतियां जलाई थी 11 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर के पुतले जलाए थे, संविधान को, संविधान के विरोध में इन्होंने 79 शहरों में रैलियां की थी, वो कौन लोग थे। ये मुखौटा बदल करके और ये अब वोटों की खातिर ये कहते हैं कि हम संविधान कर, ये संविधान अब इनको मजबूर होकर के संविधान के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है,
क्योंकि ये कामयाब नहीं हुए। जनता का जब मूड बदला, जब ये संविधान के बारे में इन्होंने अनर्गल बातें की, तो लोगों ने जब मूड बदला और इनको सबक सिखाने का हुआ, तब वो संविधान के आगे झुके हैं। आज वो संविधान की बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं। उदय भान जी, सोशल मीडिया पर कुमारी शैलजा को लेकर एक वीडियो क्लिप वायरल है, और उस वीडियो क्लिप को लेकर बीजेपी बार बार ये कह रही है, बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस दलित विरोधी है। आप उनको दिखाए ना, उन्होंने कितने दलित चीफ मिनिस्टर बनाए बीजेपी ने। कांग्रेस ने तो चन्नी को बनाया, रामचंद्र दास को बनाया, सुशील कुमार सिंधे को बनाया, और वहाँ पर उड़ीसा में भी बनाया। चार मुख्यमंत्री दलित बनाए हैं कांग्रेस ने। इनने क्या पूरे देश में कोई एक भी दलित मुख्यमंत्री बनाया? आज इनको तकलीफ हो रही है, आज ये दलित विरोधी की बात कर रहे हैं। ये बताया ना कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, इन्होंने किस दलित को सम्मान देने का काम किया है? सिर्फ जो है ना राष्ट्रपति पद पर अपने ऐसे बिठा करके उनको भी अपमानित करने का काम किया, चाहे वो पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, उनको जिस तरह से अलग थलग रखा गया, ये आपके सारे सामने हैं, लोग समझते हैं सारी बातें। जब आप दलित मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं, क्या हरियाणा को दलित मुख्यमंत्री मिल सकता है, ऐसी कोई संभावना? क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर लोग तो भूपेंद्र हुड्डा को भावी सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री होगा, जनता की भावना के अनुरूप होगा। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी, केंद्रीय नेतृत्व ऑब्जर्वर भेजेंगे, सबके सलाह मशवरे से फैसले होंगे। ये जाति बिरादरी की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, सबको सम्मान देती है, सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को सम्मान देती है, और मौके पर जो उचित फैसला होता है वो किया जाएगा। कौन बनेगा ये भविष्य के गर्भ में। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आप हैं उदय भान जी, और जो विजन आप लेकर चल रहे हैं, जो लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं, 67 पार का 2005 वाले रिकॉर्ड को तोड़ने की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में आपकी पूरी टीम, पूरी राज्य इकाई को आप एकजुट कर पाए हैं? आप ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एकमत होकर मजबूती से चुनाव लड़ें? सभी नेता एकजुट हैं, सारे एकजुट नेता हैं, अपना प्रयास करते हैं राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का। अपने लिए कोई बात नहीं है कि भाई किसी पद के लिए बात करें। जो कहते थे कि वो पार्टी विद डिफरेंस जो बात करते थे, आज उनकी बात करो। जो खुद ये अमित शाह घोषणा करके गए कि भावी ये मुख्यमंत्री यही रहेंगे, नायब सैनी रहेंगे, फिर क्या कर रहे हैं? अनिल विज जी क्यों कह रहे हैं? रामविलास शर्मा के आपने आंसू देखे कि जो सबसे वरिष्ठ नेता है, राव इंद्रजीत सिंह क्या कह रहे हैं? राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि भाई जो ना मेरा ओबीसी, मैं भी तो ओबीसी हूँ, सबसे पहले तो मेरा हक बनता है, सबसे ज्यादा तो हमने किया है, सबसे ज्यादा तो हमने सहयोग किया है। आप उनकी बात करो ना, यहाँ वहाँ पर है झगड़ा, यहाँ कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं है। टिकटें जो बटी हैं उसमें लोकसभा की तरह एक बार फिर से तस्वीर साफ आई कि भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है इस बार भी टिकट आवंटन में। जो मजबूत था, टिकाऊ था, जो उसमें मेरिट में आ रहा था, जो सर्वे के आधार पर आ रहा था, उसको उस तरह से उनको टिकट दिया है। कोई किसी गुट का नहीं है, सब कांग्रेस का। कोटा सिस्टम तो नहीं चला इस बार? कोई सिर्फ कांग्रेस का है, सब राहुल गांधी जी खड़गे जी के सिपाही हैं और सारी कांग्रेस से एकजुट है, और कांग्रेस ने पूरा मेरिट के आधार पर टिकटों का आवंटित किया। जब बीजेपी कह रही नॉनस्टॉप हरियाणा, आप बीजेपी से सरकार से आप लोगों ने खूब हिसाब मांगा है, तो आपको क्या लगता है हरियाणा की जनता ने आप लोगों का हिसाब मांगो हरियाणा को समझा के, या फिर बीजेपी जो नारा दे रही, दावा कर रही नॉनस्टॉप हरियाणा, ये लोगों के जहन तक पहुंचा गया? जो हिसाब हरियाणा मांगे, हिसाब अभियान चलाया, उसी का परिणाम तो है ये जो आज माहौल जो बन रहा है और जो ये बौखलाए हुए हैं। इससे पहले भी हमारा घर घर कांग्रेस, हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस, सारे हमने घर घर तक कांग्रेस का जो संदेश है वो सारे पहुँचाए हैं। जो भी इसमें आंदोलन हुए हैं उनमें जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनको भी हमने पूरी तरह से उनको सहयोग किया है। जब उनके साथ जाति हो रही तो हमने उनको समर्थन दिया है। टिकटें आने के बाद कुछ लोगों ने पार्टी का विरोध किया, इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला लिया, तो क्या कुछ को मना लिया गया कि जो बागी हुए उन्हें साथ लेकर आए हैं, क्या नुकसान होगा? ज़्यादातर मान गए, और कुछ ऐसे हैं कि जो अपना ये रखते हैं कि अब मेरा अधिकार ज़्यादा था, मुझे लड़ना था, वो अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली 80% जो थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया।
चार डिप्टी सीएम की बातें उदयभान जी पिछले दिनों की गई थी, हालांकि हाल फिलहाल ही नारा नहीं दिया गया है, तो क्या आने वाले दिनों में सरकार आप लोगों की बनती है, इस फॉर्मूले पर काम करेंगे चार अलग अलग वर्गों से डिप्टी सीएम? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं, ना इस तरह का कोई वादा है, ना ऐसा किसी ने कहा है। पिछले दिनों हालांकि अभी नहीं आए भूपेंद्र हुड्डा साहब के बयान आए थे, ऐसा नहीं किया जाएगा ये आप बड़ी बात कह रहे हैं? नहीं, हुड्डा साहब ने पहले कहा था कि ऐसा हो सकता था, जो पांच साल पहले 19 में, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आप ही कह रहे हैं बयान हालांकि उनका आया था। आपके हलके की बात करें, वहाँ किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? आप देखो जाकर के, अपनी टीम आपकी जा रही है और उनसे आप रिपोर्ट लो। मैं तो समझता हूँ भारी बहुमत से मैं वहाँ पे सीट निकालूंगा, सीट जीतूंगा, और ये जब है कि जब मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, मैं बाहर मुझे देखने पड़ रहे हैं। सारा यहाँ भी मैनिफेस्टो का है, पहले उसका प्रिपरेशन का था, उनको अनाउंसमेंट का है, फिर राहुल जी के, प्रियंका जी के, खड़गे जी के प्रोग्राम तय करने हैं, और स्टार प्रचारक है जो उनके प्रोग्राम तय करने हैं। खुद के हलके में प्रचार कम कर पा रहे हैं अभी? मैं अपने हलके में कम प्रचार कर पा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो टीम है वो सब उदयभान बन करके लड़ रही है, और मैं भारी वोटों से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीतूंगा। बीजेपी की बात करें, पीएम भी हरियाणा आए, अमित शाह भी हरियाणा आए, आपके बड़े नेताओं का हरियाणा आने का सिलसिला कब शुरू होगा? बस अभी प्लान कर रहे हैं, आपको पास में जब डेट तय हो जाएगी जब आपको बताएंगे। अंतिम सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा क्या है जिस पर जनता यकीन करते हुए जो आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे उसे पूरा करेंगे? सबसे बड़ा है कि कांग्रेस पार्टी का विश्वास, जो हमने दो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो जारी किए थे 2005 में भी 2009 में, उसका हमने अक्षर से पालन किया, पूरी तरह से पालन किया, तो जनता के अंदर विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी वादा करती है उसे पूरा करती है। अब भी जो वादा करेंगे वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, ओबीसी को लेकर भी एक सवाल, ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया है, बीजेपी इस बात को बार बार स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ओबीसी को पोलराइज करने का जो प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, क्या चुनौती साबित नहीं होगा आप लोगों के लिए? कोई चुनौती नहीं है, और सब लोगों को पता है कि उसकी अपने विचारे की कोई औकात नहीं है। वो जो है जो उसकी विधानसभा थी, जो अपने वो बूथ से भी हारा, अपने गांव से हारा, अपनी विधानसभा से हारा, अपने जिले से हारा, अपने पार्लियामेंट से हारा, और उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने जिले में चुनाव लड़ने की, अपनी मूल विधानसभा से लड़ने की। मुख्यमंत्री जिसकी मर्जी का उनका एक चपड़ासी भी नहीं है, सारा जो मंत्रिमंडल है वो खट्टर साहब का है, सारे अधिकारी खट्टर साहब के हैं, एक चपड़ासी तक भी जो मुख्यमंत्री अपना नहीं रख सकता, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या विश्वसनीयता है, क्या उनकी अपनी स्टैंडिंग है? लाडवा में किस तरह की टक्कर देंगे सीएम साहब को? है ही नहीं, बिल्कुल जो है ना, हमारा कैंडिडेट वहाँ पे जीत रहा है, मेवा सिंह मुख्यमंत्री हार रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।